दोस्तों 27 नवंबर 2023 कार्तिक पूर्णिमा की रात बस चुपचाप रख देना इस जगह पर 5 दाने धनिया का उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना हो जाएगी, पूर्ण अचानक से बढ़ने लगेगा, बैंक बैलेंस इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। दोस्तों वैसे एक साल में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, किंतु इन सभी में सबसे ज्यादा विशेष और महत्व किसी पूर्णिमा को दिया गया है, तो वह कार्तिक पूर्णिमा को दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, इसीलिए इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया का अपने अपने में विशेष और खास महत्व होता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है, अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। और इस दिन अगर आप वेद पुराण के अनुसार एक मुट्ठी धनिया पूर्णिमा की रात इस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में कई शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट और समस्याएं शीघ्र के शीघ्र दूर हो जाएंगे, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे हमें हमारे सभी सब्सक्राइबर्स जुड़े जिसने कमेंट करके बताया कि गुरुजी आपके बताए उपाय से हमें काफी फायदा हुआ है, क्योंकि दोस्तों टोने टोट के सरल उपाय को हम वह क्रिया बोल सकते हैं जो कि आपके जीवन के रुकावट को कम ही समय में पूरी तरीके से दूर कर देते हैं, कम ही समय में आपको अच्छे लाभ देते हैं। जीवन में चली परेशानी को आपके जीवन में चली, कष्ट को आपके जीवन में चली, कैसी भी परेशानी जीवन में चल रही, कैसा भी खराब परिस्थिति हो, उसे दूर करने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं और समय में आपको पूर्ण रूप से लाभ प्रदान कर कार्तिक पूर्णिमा के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। इंद्र योग का निर्माण हो रहे हैं, ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है और सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहे हैं, और इसी के साथ सोमवार का दिन भी। दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, पूर्णिमा तिथि के ही दिन माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। हम आप लोगों को कई वीडियो में बता चुके हैं कि पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में बिल्कुल ही आती है। जो लोग पूर्णिमा के दिन अगर माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए उपाय कर लें या फिर कुछ सरल टोटके कर लें तो उनकी किस्मत बदल जाती है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं पूर्णिमा के दिन हमें कौन से उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे जीवन बदल लें। हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिसे हमने बहुत सारे उपाय भी कराए हैं, क्योंकि दोस्तों हर मानव को हर उपाय सूट नहीं करता। जैसे कि अगर एक ही दवा से संपूर्ण बीमारी ठीक हो जाते तो दुनिया में इतनी ज्यादा दवाइयां बनाने की जरूरत नहीं थी, इतने सारे दवा बनाने की जरूरत नहीं थी, एक ही दवा से सब ठीक हो जाते हैं। तो पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है, रात्रिकालीन 9 बजे के बाद सभी मनुष्य के द्वार में आती है, तो रात्रिकालीन 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, साल के सभी पूर्णिमा को नहीं कर सकते ये उपाय, लेकिन कम से कम एक दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। आप अपने के द्वार के कपाट को, पूरे कपाट को नहीं तो कम से कम थोड़ी से कपाट को, थोड़े से हिस्से को माता लक्ष्मी के आने के लिए खोल करके रखना है। माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है और जिसके घर कपाट बंद पड़े हो ऐसे मानव के घर में माता का भी प्रवेश नहीं करती। भाई साधारण सी बात है, अगर हम किसी के घर में जा रहे सामने वाले अगर हमारे लिए दरवाजे लगा दें, कपाट को बंद कर दें, क्या हम उनके घर में प्रवेश करेंगे? बिल्कुल ही नहीं करते। तो देवी देवता भी इसी तरीके से होते हैं, उनके लिए आप द्वार को बंद कर देते हैं, प्रवेश नहीं करते, इसीलिए अधिकतर लोग निर्धन होते हैं। आप अपने घर के कपाट को खोल करके रखना, मेरी यह बात बिल्कुल ही गांठ बांध करके रख लें। और पूर्णिमा के दिन दिव्य शक्ति प्रबल होती है, आसुरी शक्ति निर्बल होती है और पूर्णिमा के दिन किया उपाय कभी भी विफल नहीं जाता।
तो दोस्तों आज इस वीडियो में सर्वप्रथम जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन क्या ना करें जिससे हमारे घर में दरिद्रता पूरे वर्ष बनी रहती है। हमें कुछ ऐसे कार्य जिसे पूर्णिमा के दिन करने से बचना चाहिए, जैसे कि मांस खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। अब ऐसा क्यों, थोड़ा सा जान लीजिए। वैसे तो खाना पीना जीवन भर लगे हैं, लेकिन पूर्णिमा के दिन ना खाएं तो सबसे अच्छा है, क्योंकि जिस घर में मांस बनाए जाते हैं ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती, माता लक्ष्मी नहीं आती। जो लोग शराब पिए ऐसे मानव की जीवन लक्ष्मी पूर्ति दिन चली जाती है, और ऐसा समझा जाता है कि पूर्णिमा के दिन किसी भी घर से उधारी नहीं मांगना चाहिए। आप अपने पड़ोसी से जैसे नमक मांग रहे हैं, चीनी मांग रहे हैं, हल्दी मांग रहे हैं, तो कभी मत मांगना, क्योंकि इस दिन उधारी नहीं मांगना चाहिए तो माता लक्ष्मी नाराज होती है। जो भी रूखा सूखा हो बन पड़े खाइए, लेकिन उधारी मत मांगना। और इस दिन किसी को पैसे नहीं उधारी देना चाहिए, क्योंकि ये पैसे लेने का दिन है, ना कि पैसे देने का। अगर आप इस दिन पैसे देते हैं तो माता लक्ष्मी आपके जीवन से सामने वाले मानव के ऊपर में जैसा उनके जीवन में चली जाती है, तो आप क्यों उनको उधारी देंगे, क्यों आप उनको पैसा देंगे। और इस दिन काले वस्तु बिल्कुल ही घर में के मत लाना, काले वस्तु काली शक्ति का प्रतीक होता है। और रही बात सोमवार का दिन पड़ रहे हैं उपाय के माध्यम, तो हमें उपाय बताने में भी गर्व होता है, और हमारे बताए उपाय को कोई मानव करते, उन्हें लाभ मिलते, तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इस दिन घर में आपको धनिया एक मुट्ठी खरीद करके लाना चाहिए। मैं तो कहना चाहूंगा कम से कम 250 ग्राम के आसपास धनिया खरीद करके लाए, और एक मुट्ठी धनिया में थोड़ी सी मुख्य द्वार तरफ छिड़क देना है धूप का धुआं दिखाकर, कि शाम के बाद संध्या काल के बाद आपको अपने छत में और अपने घर के हिस्से में थोड़ा थोड़ा धनिया का छिड़काव जरूर करना है। संपूर्ण हिस्से में धनिया को धन का प्रतीक समझा जाता है। जैसे ही हम सब धनतेरस के दिन धनिया खरीद करके लाते हैं, क्यों खरीद करके लाते हैं, क्योंकि धनिया का सीधा संबंध धन की देवी माता लक्ष्मी से होता है, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लाते हैं। तो धनिया इस दिन आप अपने घर के छत में फेंकिए, आप अपने घर के संपूर्ण हिस्से में थोड़ा थोड़ा धनिया जो है शाम के बाद में है रखना शुरू कर दीजिए, तो लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। लेकिन इसमें आपको गुलाब के इत्र का थोड़ा सा छिड़काव करना है, क्योंकि गुलाब के इत्र की तरफ माता लक्ष्मी जल्दी आकर्षित होती है। तो आप ये उपाय जरूर करिए। अगर आपके घर में धन का भाव है तो माता लक्ष्मी आएंगी तो आपके घर में धन का भाव दूर हो जाएंगे। ये उपाय एक है, लेकिन इसके अनेक फायदा आपको मिलेगा। आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, आपके घर दरिद्रता चली जाएगी, आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी होना बंद हो जाएंगे। ये उपाय है, द्वितीय उपाय जान लीजिए। तो माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए एवं विशेष मनोकामना के लिए इस दिन धातु के कछुआ अपने घर में बिल्कुल ही खरीद करके लाना। कछुआ को भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं। जहां पे नारायण हो वहां पे लक्ष्मी स्वतः ही खिंचे चले आते हैं, और दोनों मिलकर के लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सृजन है तो एक पालन है। तो दोस्तों कहना चाहूंगा कि इस दिन जो आपसे बन पड़े वो धातु की बिल्कुल ही घर में लाइए। ऐसा समझा जाता है जिस घर में धातु की कछुआ रखा जाए उस घर से वास्तु दोष भी मिट जाते हैं। जिनके घर में वास्तु दोष ना हो ऐसे मानव के घर में सभी तरह के सुखों का वास होता है। तीसरा उपाय जान लीजिए। तो इस दिन रात के समय में एक उपाय आपको जरूर करना है। उपाय करने के लिए सामग्री नोट करें। एक लाल कपड़े लेना है, लाल कपड़े में चावल के दाने 5, गुलाब के पुष्प 5, कमल के बीज, एक छोटा सा इत्र, थोड़ा सा चीनी, ये सबको लाल कपड़े में डालना है एक पोटली में। ये सब आपको बांध लेना है और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए या फिर माता लक्ष्मी का कोई बीज मंत्र पढ़ लें। केवल 5 बार बीज मंत्र बोलना है, और रात्रिकालीन 9 बजे के बाद आपके नजदीक जो नदी है जहां पर धारा बारी वहां पे इसे बहा देना है। आपकी कोई विशेष मनोकामना हो वो मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी, वो मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। हर इच्छा पूर्ण होगी। आपने जीवन में जो इच्छा सोच करके रखे हैं वो इच्छा इस उपाय को करने के बाद पूर्ण होगी, क्योंकि इस दिन सभी देवी शक्ति जागृत अवस्था में होती है। दोस्तों उपाय बताना एक कर्तव्य है, करना या ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिनको लाभ लेना हो ये उपाय कर लेना, 100% लाभ मिलेंगे। आशा करता हूं कि हमारे वीडियो में बताई गई जानकारी
जीवन को आपके तकदीर को बदल करके रख देगा। बिल्कुल ये उपाय करके देखें, आपके जीवन में मंगल लाने का काम करेंगे, अमंगल को हराएंगे। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा वही पूर्णिमा है और वही दिन है जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती। इस वो देखती है किस घर में उनकी पूजा पाठ चल रही है और जिस घर में भी उनकी पूजा पाठ होती है उस घर को माता लक्ष्मी जी अपना वरदान और आशीर्वाद भी देती है। दोस्तों, बहुत से लोग ये बात समझते हैं कि सिर्फ दशहरा और दिवाली में माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करना चाहिए, सिर्फ दशहरा और दिवाली में ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। परंतु बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि पूरे तांत्रिक पंडित एस्ट्रोलॉजिस्ट जीतने भी होते हैं। वो कार्तिक पूर्णिमा का इंतजार करते हैं क्योंकि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। और दोस्तों, इस कार्तिक पूर्णिमा सिर्फ आप साधारण से 3 लौंग के उस महा उपाय को कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, जो आपको इस वीडियो में हम बताने आ रहे हैं। साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा के बाद न केवल आपका भाग्य बदल जाएगा, न केवल आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन की वर्षा भी होगी और धन आपके जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। दोस्तों, अब बार बार ये जरूर सोचेंगे कि आखिर 3 लौंग के ही महा उपाय को क्यों करना है, आखिर लौंग के उपायों से माता लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न हो जाएंगी। लौंग को हमारे हिंदू धर्म में ही पवित्र माना गया है। अगर आप तंत्र शास्त्र के पुराणों को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि लौंग को तो उत्तम श्रेणी में रखा गया है और माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर लौंग का इस्तेमाल ना किया जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। अगर कोई मानव माता लक्ष्मी जी का वरदान हासिल करना चाहता है, कोई मानव चाहता है कि उसकी पूजा माता लक्ष्मी जी के सामने सिद्ध हो जाए, कोई मानव ये चाहता है कि माता लक्ष्मी जी कैसे उस मानव की इच्छा पूरी हो जाए, तो दोस्तों आपको लौंग का प्रयोग करना ही पड़ेगा, वरना आपकी पूजा सफल नहीं। आप अगर चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के सामने की गई पूजा आपकी सिद्ध हो जाए, आप कोई भी उपाय कर रहे हैं उसका लाभ आपको तुरंत मिल जाए, तो दोस्तों लौंग का उपाय अवश्य ही कीजिएगा। और इस वीडियो में हम आपको 3 लौंग के उस महा उपाय के बारे में बताने आ रहे हैं जिस उपाय को आपने सिर्फ पूर्णिमा के दिन सही मुहूर्त पर सही तरीके से कर लिया, तो दोस्तों यकीन आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में फिर आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। आपके जीवन में धन की वर्षा तो होगी ही होगी, आपके जीवन में इतना धन आएगा फिर आपको जीवन में संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही कामयाब होंगे। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे ना जाए, आप जिस काम को भी शुरू करें उस काम में आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए और उस काम में आपको सफलता हासिल हो। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप द वास्तु शास्त्र चैनल की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा, आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय जिस उपाय को इस कार्तिक पूर्णिमा मतलब 27 नवंबर 2023 के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं। दोस्तों, वो आके आपके कमेंट के रिप्लाई में तुरंत का तुरंत बता देंगे। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा।